दोस्तों हमारे देश में शादियों के अंदर जितना शोर शराबा और नाच गाना होता है उतना दुनिया में और कहीं भी नहीं होता, क्योंकि हमारे भारत में लोग शादियों को किसी त्योहार की तरह मानते हैं। और हमारे यहाँ शादियों में कोई बवाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक शादी में कोई ऊट पटांग हरकत न हो जाए तब तक वो शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अब चाहे वो किसी के अंकल का दारू पीकर नागिन डांस करना हो या फिर स्टेज पर दूल्हे दुल्हन की कोई अजीब हरकत, लेकिन इस तरह की चीजें हमारे यहाँ शादियों में अक्सर ही देखने को मिलती रहती हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको शादियों में होने वाले कुछ ऐसे ऐसे कांड दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जरा दूल्हा दुल्हन के इस जोड़े पर नजर डालिए जो अपनी ही शादी में बारातियों की तरह नाच रहे हैं। अब ठीक है, दूल्हा दुल्हन को अपनी शादी पर खुश होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह लटको झटकों के साथ डांस करना ही शुरू कर दें। अपनी खुशी पर थोड़ा काबू रखना भी जरूरी होता है। भारत में कोई शादी हो और उसमें बाराती दारू पीकर ना नाचें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके बिना तो हमारे भारत की शादियां अधूरी मानी जाती हैं। अब आप व्हाइट शर्ट पहने इस लड़के का डांस ही देख लीजिए। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको बरसों से बांध कर रखा हुआ था और आज ही ये आजाद हुआ है। वाकई दुनिया में इतना अनोखा डांस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस व्हाइट शर्ट वाले बंदे को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है ये अंकल, जो पूरे बैंड बाजे के सामने अकेले डांस कर रहे हैं। अंकल के डांस मूव्स तो ऐसे हैं कि इन्हें देखकर प्रभु देवा भी शर्मा जाए। लेकिन शादियों में डांस की वाहवाही सिर्फ बाराती ही नहीं लूटते, बल्कि कुछ दूल्हे भी बारातियों को पूरी टक्कर देते हैं। जैसे इस दूल्हे को ही देख लीजिए, किस तरह अपनी ही बारात में लटकों झटकों के साथ डांस कर रहा है। अब डांस तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन चेहरे से इतने गंदे एक्सप्रेशन देने की भला क्या जरूरत थी। इसकी बीवी ने जब अपने पति की इस हरकत को देखा होगा तो यकीनन उसको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। अपनी शादियों में अक्सर दूल्हे जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और इसी उत्साह में कई बार तो अपनी दुल्हन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की को सही तरह से उठाना हर एक के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इस काम में ताकत के साथ ही शरीर का बैलेंस मजबूत होना भी जरूरी होता है। अब आप इस कपल को ही देख लीजिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है और ये दूल्हा अपनी दुल्हन को बाहों में उठाए पूरे मैरिज हॉल के चक्कर लगा रहा है। अब उठाने तक तो ठीक था, लेकिन ये जनाब तो अपनी बीवी को बाहों में लिए ही म्यूजिक पर भी रखने लगे। शुरू में तो सब ठीक था और लोग भी तालियां बजा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वही हुआ जिसका डर था। दूल्हे ने अपना बैलेंस खो दिया और अपनी नई नवेली दुल्हन को सबके सामने जमीन पर पटक दिया। अपने पति के हीरो बनने के चक्कर में बेचारी दुल्हन को चोट भी लगी और सबके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा। हीरो से जीरो बनने की सबसे अच्छी मिसाल भला और क्या होगी। दोस्तों ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए और खास तौर से अपनी शादी के दिन तो अपने जोश पर काबू ही रखना चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन स्टेज पर खड़े हुए हैं और नीचे से लोग उनके फोटो खींच रहे हैं, लेकिन अचानक ही दूल्हे को न जाने क्या सूझता है और वो दुल्हन के पीछे जाकर उसको उठाने की कोशिश करने लगता है। दुल्हन को पहले ही पता चल गया था कि आज उसका पति सबके सामने उसकी बेइज्जती जरूर करवाएगा। शायद उसको अपने पति की ताकत का पहले से ही अंदाजा था, लिए उसने अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया। दूल्हे ने कई बार कोशिश की, लेकिन उठाना तो दूर, वो अपनी दुल्हन को जमीन से हिला भी नहीं पाया। अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि अब तो भाई की मर्दानगी पर बात आ गई थी। इसीलिए दूल्हे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार दुल्हन को उठा ही लिया, लेकिन बेचारा उसको एक सेकंड भी उठाकर नहीं रख पाया और धड़ाम से पीछे जा गिरा। हमने पहले ही कहा था कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा यही होता है। दोस्तों अब आप जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये जयमाला की रस्म का नजारा है। दुल्हन ने दूल्हे को मिठाई खिला दी है जिसको वो अभी भी चबा रहा है। दूल्हा भी अपनी नई नवेली दुल्हन को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन दुल्हन मिठाई खाने से इनकार कर देती है। दुल्हन का मिठाई को इनकार करना इस दूल्हे को पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो दुल्हन की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में मिठाई ठूंस देता है। अपनी दुल्हन को मिठाई खिलाने का यह तरीका यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।
कहा जाता है कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है और ये कमीने दोस्त अक्सर शादियों में छिछोरी हरकतें करते हुए देखे जाते हैं, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इन लोगों ने दूल्हे बने अपने फ्रेंड को गिफ्ट में एक बोर्ड दिया जिस पर गेम ओवर लिखा हुआ था। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने दुल्हन को भी एक ऐसा ही बोर्ड गिफ्ट किया था जिस पर गेम स्टार्ट लिखा हुआ था। यानी इस शादी के बाद से लड़के का गेम खत्म और लड़की का गेम शुरू। वाकई में ऐसी हरकत सिर्फ कमीने दोस्त ही कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश में आजकल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमानों को छू रहे हैं। ऐसे में लोग इन चीजों को लेकर अक्सर हंसी मजाक करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहे इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी। दरअसल इन लोगों ने अपनी दोस्त की शादी में उसको एक गैस सिलेंडर और एक पेट्रोल की बोतल गिफ्ट में दे डाली। इस अनोखे गिफ्ट को देखकर दूल्हा दुल्हन समेत वहां मौजूद सभी लोग खूब हंसे। शादियों में सबसे ऊटपटांग चीजें जयमाला के दौरान ही होती हैं। दोस्तों, ज्यादातर शादियों में जयमाला के दौरान गड़बड़ दूल्हा दुल्हन के आसपास के लोग ही करवाते हैं, क्योंकि जब जयमाला पहनाने का समय होता है तो ये लोग दूल्हा दुल्हन को ऊपर उठाना और पीछे हटाना शुरू कर देते हैं और इन्हीं हरकतों के कारण कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए दूल्हा दुल्हन को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, चश्मा लगाए हीरो के जैसे दिखने वाले इस दूल्हे ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए दुल्हन को बड़ी ही आसानी से जयमाला पहना दी। लेकिन जब दुल्हन की बारी आई तो दूल्हे के एक दोस्त ने उसको पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से दुल्हन पहली बार में नाकाम हो गई। दुल्हन ने दूसरी बार भी कोशिश की और इस बार भी उस लड़के ने तेज झटके से दूल्हे को पीछे खींच लिया, लेकिन इस बार झटका इतना तेज हो गया कि न तो वो लड़का संभल पाया और न ही ये दूल्हा। इस खींचातानी में दोनों स्टेज से नीचे आ गिरे और फिर भरी महफिल में अपनी बेइज्जती करवा ली। ये महाशय भी अपनी शादी में अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल ये भी जयमाला के समय अपनी कमर को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ रहे थे जैसे वो रबड़ की बनी हुई हो, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने अपनी कमर को पीछे की तरफ इतना ज्यादा मोड़ लिया कि ये सीधे ही नहीं हो पाए और इसी तरह मुड़े हुए ये स्टेज के नीचे जा गिरे। ये नजारा देखकर वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। खैर, अब आप जरा इस वीडियो पर एक नजर डालिए। दूल्हे के सामने दुल्हन की लंबाई जरा छोटी थी, इसलिए वो जयमाला पहनाने से कतरा रही थी और ये दूल्हा इतना अकड़ू था कि अपना सिर झुकाने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था। ऐसे में एक व्यक्ति ने दुल्हन को ऊपर उठाया और तब जाकर उसने दूल्हे को जयमाला पहनाई। लेकिन जयमाला पहना कर भी दुल्हन ने उसको अपने हाथ से छोड़ा नहीं और जब उस व्यक्ति ने दुल्हन को नीचे उतारा तो जयमाला टूट गई। वाकई जयमाला की रस्म का सत्यानाश होना इसी को कहते हैं। दोस्तों, अब आप जरा जयमाला का ये कार्यक्रम देखिए। इस शादी में जयमाला बड़े ही शांत तरीके से पूरी की जा रही थी। दुल्हन ने बड़े आराम से अपने दूल्हे को जयमाला पहना दी, लेकिन इसके बाद जब दूल्हे की बारी आई तो उसने दुल्हन को जयमाला ऐसे अंदाज में पहनाई कि वो सीधी उसके पैरों में जा गिरी। इस दूल्हे ने अपनी बेवकूफी से अच्छे खासे कार्यक्रम की वाट लगा दी। अब आप जरा इस आशिक मिजाज दूल्हे को देखिए, जो जयमाला के दौरान सबके सामने ही अपनी दुल्हन को किस कर लेता है। भाई, कम से कम शादी पूरी होने का सब्र तो कर लेता, हाँ बस कुछ ही घंटों की तो बात थी। हमारे देश में गांवों के अंदर आज भी शादियों की अजीब अजीब रस्में निभाई जाती हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन और एक लड़का एक दूसरे को पतली डंडी से पीट रहे हैं। लड़का दुल्हन को जोर जोर से मारने लगता है, जिसके बाद एक महिला बीच में आकर उसको रोकती है। वैसे जो भी हो, लेकिन ये रस्म बहुत ज्यादा अजीब है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आप वीडियो में दिखाई दे रही इस दुल्हन का कारनामा देखिए। जयमाला के दौरान जैसे ही इस दुल्हन ने दूल्हे को माला पहनाने की कोशिश की तो उसके दोस्तों ने उसको ऊपर उठा लिया। ये देखकर दुल्हन पीछे रखे सोफे पर जाकर बैठ गई, जैसे कह रही हो कि तुम्हारा हो जाए तो बता देना। दुल्हन की इस हरकत से दूल्हे का जो खिसियाना चेहरा बना वो देखने लायक था। और अब दूल्हा दुल्हन की ये जोड़ी जो अपनी शादी में इतने ज्यादा खुश हैं कि किसी की परवाह किए बिना मस्त होकर डांस कर रहे हैं। वैसे ठीक भी है, इंसान को अपनी शादी में खुश होना चाहिए और साथ ही थोड़ा बहुत डांस करने में भी कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना भी जरूरी होता है। और अब आखिर में ये महाशय जो अपनी ही शादी में अपनी पैंट की जिप लगाना भूल गए, और ये इन्हें उस टाइम याद आया जब शादी का फोटो सेशन चल रहा था। कैमरे के सामने जब इन्होंने अपनी पैंट की जिप ऊपर चढ़ाई तो दुल्हन भी अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाई। ये वाकई में बड़ा फनी मोमेंट था। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।